ये तो इशू है। इशू, इशू तुम्हारा दोस्त कहाँ है? निशाना चूक गया तुम्हारा, तुम जो चाहते हो वो होगा नहीं। उठो। क्या क्या कर रहे हो? मैं नरेश सर हूँ, आप मुझे क्यों मारना चाहते हैं बताओ? क्या मैं तुम्हें क्यों मारना चाहूंगा? ये जरूर किसी की चाल है। पर किसकी? वो छोड़ो, अभी सबसे जरूरी नोटी और जिया को बचाना है। तेरा राज मुझे पता चल गया बच्चे, तू पकड़ा गया, अब आओ अपनी मौत के पास। मेरा ट्रैक उन लोगों को ढूंढने में नाकाम हो गया। ताईची, बताओ रास्ता। चलो, मुझे पता है वो कहाँ होंगे, चलो। कालू, तुम कितने अजीब हो। तो तुमने अपनी दम्बा किए हैं या नहीं? आओ। आज तुमने नाश्ता नहीं किया क्या? हाँ नहीं किया, क्यों ना तुम्हारा नाश्ता करूँ मैं? ये बेवकूफ बेवकूफी ही करेगा और कुछ नहीं। हाँ? बच के। लो अब लात खाओ। बहुत मुंह चला रही है तू, तेरी तो जला दो बुरी छाया को। इस लड़की का कुछ करना पड़ेगा। अब देख लड़की, तुम अब ज्यादा देर मुझसे नहीं बच पाओगी लड़की। क्यों, डर गई या भागना है? भाग जाओ नहीं तो केक की तरह बेक हो जाओगे। जिया, ये तुमने कमाल का कहा। नरेश सर, आखिरकार आप आ ही गए। नरेश, तुम आज वाकई मेरा दिन खराब है। तुझ बागड़ बिल्ले के लिए तो ये बच्चे ही काफी हैं। खबरदार अगर कुछ चाल चली तो। नरेश सर, उससे इतनी बात क्यों कर रहे हैं? ये कुछ अजीब सा है। अरे बेवकूफ, अब तो अकल लगा, घोड़े दौड़ा अपने। तो तुम हो क्या इस रूप में? नरेश सर, आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं? जल्दी से इसे खत्म करो और जिया को बचाओ। ये तो अनुष्का की आवाज है। अनुष्का, अनुष्का उठो, उठो अनुष्का। नरेश सर, आपने हमला क्यों करा इस पर? सर, मुझे लगता है अब आपको कुछ करना चाहिए काली छाया के लोगों के बारे में। तुम बहुत चिंता करती हो, ताईची से बच्चा इतना काबिल हो जाता है कि वो हर मुश्किल का सामना कर सके। ठीक है, तो मैं अपने क्लास की तैयारी करती हूँ। ये महान युद्ध होकर ही रहेगा। जाओ जाओ और हरिता को बुला कर लाओ। जो हुकुम। बहुत मुंह चल रहा था तेरा, अब तेरा नरेश सर तुझे सिखाएगा कि बड़ों की इज्जत कैसे की जाती है। नरेश सर, आप ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? रुको। एक साथ दो दो नरेश सर, कैसे? नॉटी, उस बैरूपे की बातों में मत आना। कितनी अजीब चेहरा है ये, आखिर तुम कौन हो? तुम कौन हो? पहचानो। मैं नरेश सर तो नहीं, मैं हूँ एक ढीठ काली छाया। बहुत दुख की बात है कि काले पहाड़ और काली छाया वाले पहाड़ में हमेशा से युद्ध होता रहा है, लेकिन काला पहाड़ को कभी नहीं हरा पाया। अच्छा मजाक कर लेते हो तुम, समझे क्या? ओ मेरे आत्मा धर्म और न्याय के पुतले, यहाँ काली छाया का राज चलता है। अच्छा होगा कि तुम भी हमारे साथ जुड़ जाओ, दुनिया भर में नफरत फैलाओ, समझे तुम? बंद करो ये अपनी बकवास, आज मैं तुम्हें बताता हूँ कि अच्छा क्या होता है और बुरा क्या होता है। बंद करो अपनी भविष्यवाणी, समझे? जय तो सुनो, उस बच्चे को अपने चंगुल में लेना मत भूलना, और अब दूसरा प्लान फॉलो करो। कालू,
कहाँ गया वो चालाक इंसान? अच्छी 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 चाल थी। नरेश सर पीछे देखिए जल्दी, ये कौन था? छोड़ दो मुझे, मैं जानता था कि तुम पीछे से ही वार करोगे। बहुत अच्छे ईशु। अरे वाह ईशु, कमाल कर दिया तुमने, मजा आ गया। जिया और अनुष्का की बहुत गंभीर हालत है, एक कोशिश करता हूँ। रुको ताई जी, कर दे इनको ठीक। अरे वाह नरेश सर। तुम मरने की एक्टिंग कर रहे थे क्या? ये सोचना कि तुम्हारे हमले से मैं मर जाऊंगा बेवकूफी थी। ये देखो मैं अपने साथ किसको लाया हूँ। मैंने सोचा था कि नरेश के दांव से तुम नहीं बचोगे, पर तुम तो उसे भी मात दे दी। ओ ढीठ छाया, मैं आज से तुम्हारा चेला। बस बहुत हुई चापलूसी, अब इनको ले चलो काली छाया के पहाड़ पर अपने मालिक के पास। बिल्कुल नहीं, सुनो तुम मुझे ले चलो पर मेरे बच्चों को छोड़ दो। ये तुम कह रहे हो? अरे ये क्या हो रहा है? जी खेलो प्रकृति के दांव और सबको नियम सिखाओ। ये तो ये तो जिया है। क्या सोच रहे हो? जाओ उसे रोको। ताई जी की शक्ति जादू। नरेश की चाल जब किसी काम नहीं आई तो तुम क्या चीज हो? जिया की बच्ची। तुम इंतजार करना मेरा। उठो जिया, जिया उठो। नरेश सर देखो ना इसको क्या हो गया। जल्दी उसे पर्पल पैलेस पर ले जाओ। सिस्टर इसके कपड़े लेते रहो। जिया को होश आ गया। जिया होश आ गया। हम तुम्हें यहाँ पर्पल पैलेस पर वापस ले आए। ये हरिता है और ये नीलिमा मैडम की क्लास है जहाँ हम पढ़ेंगे। कैसे हो आप सब? हमारी प्रिंसिपल ने कहा तुम ठीक हो। थैंक यू। मुझे माफ करना, मैं तुम्हें पूरी तरह से ठीक नहीं कर पाई। जिया तुम्हारा आज का प्रदर्शन जबरदस्त था। हाँ सच में तुम्हारा तो कपड़ों का रंग भी बदल गया था। वो ताई ची का दाव किसने सिखाया तुम्हें? हाँ मुझे नहीं पता, मुझे ऐसा लग रहा है मेरा शरीर अपने आप चल रहा है, जैसे कोई शक्ति उसे चला रही हो। क्या जबरदस्त शक्ति? हाँ मेरा नाम जो हेडमास्टर ने दिया था, ये क्या हो रहा है? वो शैतानी काली चाय के लोग हमें क्यों परेशान कर रहे हैं? वहाँ पर किसी महान युद्ध की बात हो रही थी, वो क्या है? उसके कपड़े और स्कूल बैच का रंग बदलना। पर मेरा तो अभी तक चमकता भी नहीं है, इसका क्या करूँ मैं, बताओ। दीदी ये क्या बात कर रहे हैं? हेडमास्टर इसके पीछे जरूर कोई कारण होगा। रेनू तुम यहाँ कैसे? मैंने सुना तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया है तो देखने चली आई। क्या देख रहे हो तुम लोग? ईशु, नन्हे जिया, अनुष्का, रेनु और हरिता, इन सातों बच्चों के नाम का इंद्रधनुष की शक्ति से कोई संबंध नहीं है। क्या ये वही सात बच्चे हैं जिनकी हमेशा तलाश है या बस ये इत्तेफाक है? बच्चों तुम सबका भी का जबरदस्त प्रदर्शन तो मैंने देख ही लिया, खास तौर पर नॉटी और जिया का। पर ईशु वो काली छाया के लोग, बैच, अनुष्का की शक्ति, इस सब के बारे में तुम नहीं जानना चाहोगे। कल मैं तुम्हें इसके बारे में बताऊंगा। क्या आज नहीं बता सकते? धीरज जिंदगी में बहुत जरूरी होता है। चलो मैं तुम लोगों को कल छुट्टी देता हूँ, पर मैं तुम्हें बताऊंगा जरूर। उस बच्चे की अनोखी ताकत देखने के बाद अब हमें और भी सतर्क होना चाहिए, इसलिए इस बार मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। जैसी आपकी आज्ञा मालिक। कल काले पहाड़ पर बहुत कमाल की चीजें होने वाली हैं। उड़ान खटोले तुम मुझे पल पल की खबर देना। हाँ ठीक है मालिक, पर क्या आप मुझे थोड़ा शरीर देंगे? क्यों नहीं उल्लू के पट्टे।